गर्दन का काला होना एक आम प्रॉब्लम है, स्पेशली दोस्तों उन लोगों में जो लोग थोड़े से मोटे होते हैं, जिनमें रहती है डायबिटीज, या जिन्हें बार बार हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस, वो लोग भी जिन्हें बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर करना होता है, उनके भी गर्दन का पिछला हिस्सा बहुत ज्यादा डार्क देखा गया है। बहुत सारी महिलाओं में, इवन पुरुषों में भी मेटल एलर्जी होती है, मतलब सोना, चांदी या किसी विशेष प्रकार का धातु पहनने से भी उनकी जो गर्दन है उसकी स्किन हो जाती है काली। क्या कुछ किया जाए इस डार्कनेस ऑफ नेक के लिए, इसी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। सो बने रहें इस वीडियो के साथ में, जिससे आप जान सकें कि क्या कुछ हमारे घर में रखी वो चीजें हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपने इस काली वाली स्किन को वापस से थोड़ा सा बेहतर और पुरानी जिस तरह की स्किन होती है उस तरह का बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरापिस्ट, एक नेचुरल थेरापिस्ट। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ नेचुरल रेमेडीज और कुछ अरोमाथेरेपी रेमेडीज की बात करेंगे, और हम समझेंगे कि बेसिकली किस तरह से इस डार्कनेस को ठीक किया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस आप अपने घर में खुद आसानी से कर सकते हैं, और आप बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत कम कीमत के अंदर अपनी इस स्किन के कलर को वापस से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है आपको थोड़ा सा समय निकालने की खुद के लिए, और अपने आप से थोड़ा सा प्यार करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम खुद को बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है, क्योंकि गर्दन के पीछे होने की वजह से लोग विजिबल नहीं देख पाते, जिसकी वजह से वो लोग अवॉइड करते रहते हैं। लेकिन वो लोग जो आपके आसपास रहते हैं, वो लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उन्हें बहुत ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं जो लोग थोड़े से सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के, थोड़े से अपने आप को मोटिवेटेड फील कराना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक दुखदाई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम जो होता है वो थोड़ा सा हो जाता है लो। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं इस वीडियो के लिए, चलें बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो इसके मेजरली 5 रीजंस देखे गए, जब मैंने अपने पेशेंट्स के साथ बात की, जब मैंने अपने अपने केसेस के साथ स्टडी किया, तो पता चलता है कि ये 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से ये डार्कनेस अपने कॉमनली देखी जाती है। इसमें सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों, वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे की वजह से जब आपके यहाँ पर एक रिंग्स बनने लगते हैं फैट के, तो बीच में एक लाइन बन जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन या ऑक्सीजन का पहुंचना वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर डार्कनेस हो जाती है। और ये डार्कनेस की वजह से आपकी जो स्किन है उसकी थिकनेस भी बढ़ती है, क्योंकि वहां पर स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि हमारी स्किन की डेड सेल लेयर होती है, वो भी जमने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थिकनेस, थिकिंग ऑफ द डेड सेल्स हमें दिखाई देते हैं। दूसरा जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर, क्योंकि हमारी सेल रिजुवेनेशन पावर बहुत कम हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारी स्किन के ऊपर ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। नंबर 3 होता है बार बार होने वाले फंगल इन्फेक्शंस। बहुत सारे लोग जो कि हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते, या कुछ ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहां पर उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनके गर्दन के पीछे के हिस्से भी आपको डार्कनेस बहुत ज्यादा दिखाई देती है। नंबर 4 जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है आपका जो स्कैल्प है उसका बहुत ज्यादा स्वेटी होना, बहुत ज्यादा पसीना आना आपके स्कैल्प के अंदर, क्योंकि जब स्कैल्प से पसीना आएगा तो वो बह करके यहीं जाता है, और वो यहां पर जाकर के जमने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो नेक के बैक का पोर्शन है या जो गर्दन है उसका कालापन दिखाई आपको देता है। नंबर 5वां जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है कि इम्प्रॉपर आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, या जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं वो सही से यूज नहीं कर रहे। चाहे आप शावर जेल यूज करें या आप सोप यूज करें, बहुत सारे लोग इतनी जल्दी में नहाते हैं, जल्दबाजी रहती है सुबह ऑफिस जाने की, या कॉलेज जाने की, या अपने कहीं पर और काम पर जाने की, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम दे करके नहीं नहाते, जिसकी वजह से कुछ एरियाज हमारी बॉडी में डार्कर हो जाते हैं। अब इसे कैसे ठीक किया जाए, तो यहाँ पर जो 4 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं, इन 4 स्टेप्स में आपको अपने इस प्रोसेस को पूरा करना है। ये 4 स्टेप कैसे होंगे, पहला जो स्टेप होगा दोस्तों वो होगा स्टीमिंग का प्रोसेस। स्टीमिंग का प्रोसेस इसलिए क्योंकि जब हम सबसे पहले स्टीम कर देंगे तो उससे क्या होगा, ये जितने भी जमे डेड सेल्स हैं, जितने भी जमा गंदगी है, ये सब कुछ स्टीम की वजह से मेल्ट होकर के थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी लूज हो जाएगी, और जैसे ही लूज हो जाएगी इसे निकालना हमारे लिए हो जाएगा इजी। अब आपको क्या करना है,
आपको एक बाउल लेना है जिसमें अच्छा गरम पानी, मतलब अच्छा गरम का मतलब उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर, इट शुड बी लिटरली वार्म वाटर, गरम पानी होना चाहिए। गरम पानी के अंदर एक कॉटन के हैंडकरचीफ या हैंकी को आप डाल करके डिप कर दीजिए और उसको आप अपना जहां पर भी डार्कनेस है, जिस भी पोर्शन है वहां पर आप स्प्रेड कर दीजिए। जैसे हम फीवर के अंदर अपने बच्चों को यहाँ फॉरहेड के ऊपर हम ठंडे पानी की पट्टियां लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको नेक के ऊपर गर्म पानी की पट्टियां लगानी है, जिससे कि उस जगह की जो स्किन है उसको सॉफ्ट किया जा सके, वहां पर जो जमा डेड सेल्स है उन्हें सॉफ्ट किया जा सके और साथ के साथ जो पोर्स है उनको ओपन करके काम करने में ईजी बनाया जा सके। दूसरा स्टेप, ये आपको स्टीम 2 से 3 मिनट देना है। 2 से 3 मिनट स्टीम देने के बाद जो सेकंड स्टेप आपको करना है वो करना है क्लेंजर। अब क्लेंजर आपको खुद बनाना है, तो खुद आप कैसे बनाओगे क्लेंजर? तो आपको लेना है कच्चा दूध। कच्चे दूध के अंदर क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है, अब लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड हमारी स्किन के अंदर स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है, हमारी स्किन के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, हमारी स्किन के अंदर जमा जितने भी डेड सेल्स होते हैं उन्हें सॉफ्ट करने का काम करता है। बहुत सारे महंगे क्रीम्स में भी आपने लैक्टिक एसिड को एज ए इंग्रेडिएंट पढ़ा होगा। ये इंग्रेडिएंट वहां क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के अंदर जाकर स्किन को रिजुविनेट करने का काम करता है, मतलब पुराने सेल्स को हटाकर नए सेल्स को बाहर लाने का काम करता है, जिसकी वजह से ये अच्छा से प्रोसेस आपकी स्किन के ऊपर कर पाते हैं। सो कच्चा दूध आपने लिया, इसमें आपको मिला देना है 1 चम्मच बेसन। तो 1 चम्मच बेसन के अंदर आपको जितना भी दूध डालना है वो पेस्ट बनाने के लिए आपको यूज करना है। पेस्ट एक अच्छा बन जाए, ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो, एक इक्वली फाइन टेक्सचर्ड एक पेस्ट बन जाए जिसे आप गर्दन पर लगा दीजिए। गर्दन पर लगाने के बाद आपको इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद जो थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर उसमें अपने फिंगर्स को डिप करें और बहुत छोटे छोटे सर्कल अपने अंगूठे से बना के, लाइक पीछे आप किसी को भी खड़ा कीजिए और हल्के हल्के फिंगर्स से सर्कुलर मोशन में आप मसाज कीजिए। ये मसाज आपको 8 से 10 मिनट करनी है। 8 से 10 मिनट मसाज करने से क्या होगा? एक तो दूध के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो स्किन के सेल्स को सॉफ्ट करेगा और दूसरा जो सॉफ्ट हो रहे हैं सेल्स उनको जो बेसन है उसकी वजह से बाहर इजीली निकाला जा सकता है। अब जब ये आपकी मसाज हो जाए इसके बाद आपको इसे अच्छे से वाइप ऑफ कर लेना है। तो कॉटन को थोड़ा सा गीला कीजिए और उससे इसको वाइप ऑफ कर लीजिए। वाइप ऑफ करने के बाद आपको वापस से स्टीम देना है। यहाँ पर स्टीम के लिए जो पानी आपने यूज किया था वो अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका होगा, उसे आपको वापस से गर्म कर लेना है और फिर यूज करना है। आप इसके लिए गीजर का पानी भी यूज ले सकते हो, तो आपको इमिडिएटली रेडी मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वापस से किचन एंड ऑल में। अब आता है आपका तीसरा स्टेप। जो तीसरा स्टेप है दोस्तों वो है स्क्रबिंग का स्टेप। अब स्क्रबिंग के लिए आपको यहाँ पर शुगर, कॉफी पाउडर और मिल्क और साथ के साथ में लेमन की कुछ ड्रॉप्स, मतलब लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है। अब आप कैसे बनाओगे? आपको लेना है लगभग 2 चम्मच, दो जो 2 टीस्पून जो हमारे पास रहते हैं वो शुगर लेनी है। शुगर कैसी होनी चाहिए? जो क्रिस्टल्ड शुगर होती है, जो नॉर्मल हम हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आपको मिलाना है 1/2 चम्मच कॉफी का। कॉफी के अंदर क्या होता है? कॉफी के अंदर एक पावर होती है जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है हमारी स्किन के सेल्स को लाइटन करना, हमारी स्किन को रिजुविनेट करना, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देना, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज देना और साथ के साथ में आपकी जो स्किन है उसको वापस से रिजुविनेट करना। तो 1/2 चम्मच कॉफी डाला। कॉफी डालने के बाद में आपको इसके अंदर दूध मिक्स कर लेना है, कितना? जितना पेस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए। और चौथी जो चीज है वो आपको 1/2 जूस, 1/2 लेमन, मतलब 1/2 नींबू का जूस आपको निचोड़ देना है। एक पेस्ट बन गया, इस पेस्ट को लगाइए, 5 मिनट छोड़िए, 5 मिनट बाद अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज हो गई है पूरी, कैसे पता चलेगा? कि जो आपके शुगर है उसके अंदर जो दाने थे वो दाने एकदम डिजॉल्व हो जाने चाहिए, वो दाने एकदम पिघल जाने चाहिए। जैसे हम कैसे चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी बनाते समय हम क्या ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर दाने नहीं होने चाहिए चीनी के, तो वैसे ही मसाज का पूरी मानी जाएगी जब आपके ये दाने जो है खत्म हो जाएंगे। तो आपके ये दाने खत्म हो गए, आपने मसाज कर ली, इट विल टेक 8 to 10 मिनट्स, 8 से 10 मिनट लगेगा इस प्रोसेस को करने में। 8 से 10 मिनट बाद इसे वाइप ऑफ कीजिए। वाइप ऑफ करने के बाद फिर से स्टीम दीजिए।
स्टीम देने से फिर क्या होगा, और सॉफ्ट होगा, और सॉफ्टनिंग के बाद अब लास्ट जो स्टेप आएगा वो हमारा आएगा पैक का। अब पैक कैसे बनाना है, तो पैक बनाने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच मैदा। मैदे की क्योंकि ग्रिप बहुत अच्छी होती है तो उसकी वजह से ये हमारे डेड सेल्स को जो सॉफ्ट है उनको पकड़ लेगा, और जब हम इसे वॉश करेंगे तो वो भी साथ के साथ में निकल जाएंगे। दूसरी चीज आपको लेनी है वापस से 1 चम्मच बेसन। तीसरी जो चीज आपको लेनी है वो लेनी है जूस। अब जूस किसका लेना है, आप ऑरेंज का जूस ले सकते हैं, आप स्वीट लाइम का जूस ले सकते हैं, आप लेमन का जूस ले सकते हैं, आप लीची का जूस ले सकते हैं, आप कोई भी खट्टे फ्रूट का जूस ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड आपकी स्किन को मिल जाए। अब इससे क्या होगा, तीनों को मिला करके आप पेस्ट बना लो। पेस्ट बना करके जैसे हम फेस पैक लगाते हैं वैसे फेस पैक लगा दो। फेस पैक जब आप लगा दोगे तो उसके बाद आपको इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 20 मिनट के बाद जो गर्म पानी आपने अपने बाउल में रखा हुआ था नैपकिन को डिप करके उसके ऊपर रखो और उसी से आपको वाइप ऑफ करना है। अब आपको जब ये पूरा वाइप ऑफ हो गया अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेना है। मॉइस्चराइजर जब आप लगा लोगे तो उसके बाद आपका प्रोसेस पूरा होगा। इस प्रोसेस को आपको करना है हफ्ते में एक बार, अगर आपके पास टाइम है तो आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। कब तक करना है, इस प्रोसेस को आपको करना है तब तक जब तक कि आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल जाता। साथ के साथ में जो मैंने शुरू में आपको जो रीजंस बताए उन रीजंस को पकड़कर, उन रीजंस को समझकर, उन रीजंस पर काम करना है ताकि इस प्रॉब्लम को आप इंटरनली भी सॉल्व कर पाओ। जब आप इसे सॉल्व कर लो के अंदर से भी बाहर से भी ये प्रॉब्लम का जो रीअकरेंस है मतलब वापस आने के जो चांसेस है वो काफी कुछ कम हो जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक थम्स अप का बटन जरूर दबा दें। हमारे वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों ना देख रहे हो इसे लाइक जरूर करें, और साथ के साथ उस जो पेज को या उस अकाउंट को या उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाने के लिए। आपका प्यार इसी चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।